मैंने कनाडा क्यों चूज किया यूके को छोड़ के, बुढ़ापे तक अच्छा जीवन जी के ही जाओगे। अगर अपने इजी पीआर की बात करें तो यूके की तरफ भी बहुत बच्चे भाग रहे हैं, तो बढ़िया कनाडा के अंदर रह रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं भाई यूके वर्सेस कनाडा के बारे में। सुनने में है यूके का जो पीयर प्रोसेस है ना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे अपने कौन सी कंट्री के अंदर अगर आप एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हो तो वीजा जो है इजिली मिल जाता है, और कौन सी कंट्री के अंदर आपकी जो पढ़ाई के पैसे हैं वो थोड़े से कम लगेंगे, आप अपने पैसे कौन सी कंट्री में जाके बचा सकते हो। प्लस अपने पीआर प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे कि दोनों कंट्रीज के जो पीआर का प्रोसेस है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, और कौन सी कंट्री के अंदर आप इजिली पीआर ले सकते हो। और साथ में आपको ये चीज भी बताऊंगा कि मैंने भी एक टाइम पे यूके का ऑफर लेटर अप्लाई किया था, बट स्टिल मैंने कनाडा आना क्यों चूज किया। सो इसलिए गाइस बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये चीज हम सभी जानते हैं कि जिस टाइम इंडिया से हम प्लान बना रहे होते हैं, चाहे यूके जाना हो, चाहे कनाडा जाना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना हो, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि भी स्टार्टिंग में जो फीस भरनी पड़ती है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे लगते हैं बाहर पढ़ने आने के लिए। सो यूके के अंदर ये चीज बड़ी सही है कि आप अपनी जो मास्टर्स है वो एक साल की कर सकते हो, और उसके बाद अपने आगे पीआर प्रोसेस में बात भी करेंगे कि आपको दो साल का वर्क परमिट मिलता है। बट कनाडा के अंदर अगर आप एक साल का डिप्लोमा लेके आते हो तो आपको एक साल का ही वर्क परमिट मिलता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि यहाँ आके दो साल की पढ़ाई करते हैं, और उसमें जो फीस जो होती है वो ज्यादा लगती है। तो एक साल की कोर्स जो होती है लगभग इनकी सेम चलती है, यूके की हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा है। बट अगर अपने कंपेयर करें एक साल की स्टडी यूके की और दो साल की स्टडी जो है कनाडा की, देन यूके जो है वो बहुत ज्यादा चीप पड़ता है कनाडा से। और यूके के जो स्टडी वीजा है वो थोड़े जल्दी भी आ जाते हैं, कनाडा का वीजा आने में भी टाइम लगता है, थोड़ा सीन कॉम्प्लिकेटेड है और रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा आती है। तो इसलिए आपने रिसेंटली ये ट्रेंड भी देखा होगा कि यूके की तरफ भी बहुत बच्चे भाग रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस इजियर है और पैसे कम लगते हैं। अब जीडीपी से आपको ज्यादा मतलब नहीं होगा, बट आपको इस चीज से जरूर मतलब होगा कि एनुअल हाउसहोल्ड सैलरी कितनी है दोनों कंट्रीज की। तो एनुअल सैलरी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो वो जो है लगभग 57,800 डॉलर्स के अराउंड है। बट वहीं पे अगर अपने यूके की बात करें तो वो लगभग 55,600 के अराउंड है। तो डिफरेंस वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, बट गाइस ये जो है ये एक्चुअल परचेजिंग पावर आपको बता रहे हैं। जो नॉमिनल फिगर्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यूके के बहुत कम है, बट बात आ जाती है परचेजिंग पावर की। सो दैट मींस वहां पे जो एसेंशियल चीजें होती हैं, जो अपनों को बाय वगैरह करनी रहती हैं, वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं। और साथ में अभी वीडियो के अंदर अपने आगे इनकम वगैरह की भी बात करेंगे, बट उससे पहले अपने दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब यूके के अंदर अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो एज ऑफ सेप्टेंबर 2022 10% हाई रिकॉर्ड हुआ था, बट वहीं पे अगर अपने कनाडा की बात करें इन्फ्लेशन जो है 6.3% था एज ऑफ दिसंबर 2022। तो ये चीज मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि कनाडा जो है ना वो अमंग वन ऑफ दोस कंट्रीज हैं जो इन्फ्लेशन से बड़ी जल्दी ऊपर उठ के आई थी कोविड के बाद। कनाडा के अंदर अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो आपको एज के अकॉर्डिंग बताते हैं, क्योंकि आपका भी एज ग्रुप वही रहने वाला है। तो 15 से लेकर 24 साल के जितने भी बंदे कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनमें से लगभग 10.8% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। बट यही स्टैट्स अगर अपने यूके के चेक करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो लगभग 14.7% जो वहां पे है वो अनएम्प्लॉयड बैठी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स भी आप देख सकते हो कि कनाडा के थोड़े बेटर है यूके से। तो गाइस ये जनरली अपने बात करें इकोनॉमी के स्टैट्स थे दोनों कंट्रीज के। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे पीआर के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आप सब लोग उसी चीज का वेट कर रहे हो। तो गाइस पीआर के प्रोसेस पे बढ़ने से पहले अपने बात कर लेते जल्दी से आज के स्पॉन्सर्स की। तो गाइस अगर आप होपलेसली घर पे बैठे हो, ये वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा कि हम कनाडा जाए या यूके जाए, और आपके पास कोई गाइडेंस भी नहीं है कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है, देन गाइस हेल्प इज देयर टू हेल्प यू, स्पेशली उन सब लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल एजेंट्स के पास नहीं जाना चाहते। तो गाइस इनके पास एक्सपीरियंस्ड बहुत अच्छे इंटरनेशनल कोचेज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपसे कोई कंसल्टेंसी की फी नहीं लेने वाले ये लोग। और जैसे कि हमें पता है कि सितंबर 2023 या फिर जनवरी इंटेक जो है 2024 वाला वो पास आए जा रहा है, तो यही टाइम है आपका अभी सीट्स वगैरह रिजर्व करवाने के लिए। तो इसलिए गाइस नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप साइन अप करके आज ही अपनी काउंसलिंग ले सकते हो, और जितनी जल्दी आप कॉलेजेस में अप्लाई करोगे उतनी आपके ज्यादा चांसेस होंगे अच्छे कॉलेज मिलने के, वीजा आने के। प्लस ये सारा जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल भी है, आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होने वाला, आपके पास एक डैशबोर्ड होगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, तो आपकी जितनी भी प्रोग्रेस है ना आप सारी ट्रैक कर सकते हो इस डैशबोर्ड के थ्रू। वरना आप सबको पता ही है कि बार बार एजेंट को फोन कर करके अपने पूछते हैं कि भाई हमें बताओ क्या अपडेट है। प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक वगैरह भी है तो इनके पास एडवांस एआई प्रोवाइडर है जिनसे ये मिस्टेक्स वगैरह भी फाइंड आउट करके जल्द से जल्द आपको बता देते हैं, ताकि आप वो मिस्टेक्स को सही कर लो। और साथ में आपको प्रिपेयर करते हैं वीजा इंटरव्यू के लिए, ताकि आपके बेटर चांसेस रहे वीजा आने में। तो इनकी काउंसलिंग के थ्रू आपके चांसेस है वीजा जल्दी आने के, और इनके जो सक्सेस रेट है वो भी बाकी ट्रेडिशनल एजेंट से ज्यादा है। तो इसलिए गाइस अगर आपको आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप आज ही साइन अप कर सकते हो, आपको लिंक जो
नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अपने बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, बात करते हैं पीआर प्रोसेस के बारे में। तो गाइस कनाडा का पीआर प्रोसेस मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ, बड़ा सिंपल है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। एक्सप्रेस एंट्री में आपको अपना अकाउंट बना के फाइल ड्रॉप करनी रहती है, पॉइंट्स वाले सिस्टम से ड्रॉज निकलते हैं। यहाँ पे आप 2 साल की स्टडी करके 3 साल का वर्क परमिट ले सकते हो। थ्रू आउट योर 5 ईयर जर्नी आप अपने पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते हो, यहाँ पे काम करके वर्क एक्सपीरियंस गेन करके आपकी एजुकेशन से आईएलटीएस के अच्छे बैंड्स लाके। और उसके अलावा अदर ऑप्शंस भी रहते हैं पीएनपी वाले कनाडा के अंदर, आप ऐसी प्रोविंसेस में भी जाके स्टडी कर सकते हो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे प्रोविंसेस ही आपकी हेल्प करती हैं आपकी पीयर होने में। 12वीं वाले बच्चे ज्यादातर उधर ही जाते हैं। तो कनाडा का जो पीयर का प्रोसेस है ना, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बड़ा सिंपल है। बट अगर अपने यूके की बात करें, यूके का सिस्टम हमेशा से ही थोड़ा अपने कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट रिसेंटली अभी जो इनका सिस्टम चल रहा है वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। अब अगर आप कनाडा में 1 साल की स्टडी करते हो ना, तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, बट यूके के अंदर आप 1 साल की स्टडी करके 2 साल का वर्क परमिट ले सकते हो। और उसके बाद सीनियर रहता है कि आपको एक फुल टाइम जॉब ढूंढनी होती है जिसके थ्रू आपको 5 साल का वर्क वीजा और मिल जाता है। तो उसके बाद ये सिस्टम रहता है कि सारी चीजें अगर ठीक चल रही हैं तो 5 साल काम करने के बाद आप एलिजिबल होते हो पीआर के लिए। तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और अगर अपने इजी पीआर की बात करें तो भाई कनाडा से वो चीज कंपेयर अपने नहीं कर सकते। यूके ने इस टाइम रास्ते जरूर खोल दिए हैं पीआर के लिए भी। पहले एक टाइम था उस टाइम स्टूडेंट्स को लगता था कि हमारी पीआर हो ही नहीं सकती, बट अब आपके पास एक पाथवे जरूर है। बट स्टिल कनाडा का जो पीआर प्रोसेस है वो यूके के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है। अब मेरे को पता है एक दिमाग में डाउट और आ रहा होगा आपका कि भाई मिनिमम वेज के बारे में भी बताओ कि कम से कम हम कितने पैसे वहां पे जाके स्टार्टिंग में एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करके कमा सकते हैं। सो कनाडा के जो फिगर्स हैं आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, लगभग अपने 15.5 मान सकते हैं एवरेज चलती है घंटे की। बट यूके का सीन ना थोड़ा सा अजीब सा है, वो एज के अकॉर्डिंग उन्होंने मिनिमम वेज डिसाइड कर रखी है। बट अगर अपने 10.5 पाउंड के हिसाब से बात करें तो अगर आप कनेडियन करेंसी से कन्वर्ट करके देखोगे तो लगभग यूके के अंदर आपको $17.5 मिलते हैं घंटे के। सो मिनिमम वेज जो है ना यूके की अपने कनाडा से थोड़ी सी ज्यादा कह सकते हैं। और उसके बाद अगर अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लगभग कनाडा की 81 इयर्स की है और यूके की भी ऑलमोस्ट सेम है, कनाडा से थोड़ी सी कम है, उनकी 80 के अराउंड है। तो अगर आप इन कंट्रीज में आके रहते हो ना तो आपके चांसेस है आप बुढ़ापे तक अच्छा जीवन जी के ही जाओगे। और वहीं पे आजकल आपको पता है कि क्राइम की बातें बड़ी होती है, रेसिज्म की बातें बड़ी होती है, इन सब चीजों को भी आजकल कंसीडर करना पड़ता है। तो नो डाउट रेसिज्म हर जगह आज के टाइम में, बट कनाडा के अंदर आपको यूके के कंपैरिजन में बहुत कम मिलेगा। और वहीं पे अगर अपने ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो कनाडा की जो रैंकिंग है 12वें रैंक पे है कनाडा। सो वहीं पे अगर अपने यूके की बात करें तो वो बहुत नीचे है वर्ल्ड की पीस रैंकिंग में, तो इंग्लैंड जो है वो 34th प्लेस पे आता है। बट इसके अंदर ना मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट बताता हूं, आज से 2 साल पहले की बात करोगे ना यूके जो था वो 42 प्लेस पे था, तो 2 साल के अंदर उसने इंप्रूवमेंट की है और वो ऊपर बढ़ के 34 पे आया है। बट वहीं पे अगर अपने कनाडा की बात करें तो 2 साल पहले कनाडा टॉप 10 में था, टॉप 10 भी नहीं 6th रैंक पे था ग्लोबल पीस इंडेक्स की वर्ल्ड की रैंकिंग में, बट 2 साल के अंदर वो गिर के 12वें पे आ चुका है। सो ये चीज भी देखने वाली है कि आने वाले सालों के अंदर ये और ज्यादा नीचे गिरता है या स्टेबल रहता है। और उसके बाद अगर अपने वेदर की बात करें या फिर ट्रैवलिंग की बात करें तो वेदर का तो भाई कनाडा में रह रहा हूं आप पीछे देख ही रहे हो, लिटरली इस टाइम भी स्नोफॉल हो रहा है, मैं थोड़ा सा साइड में लग के वीडियो बना रहा हूं। तो एक्सट्रीम वेदर मिलेगा कनाडा के अंदर, आपको स्नो भी ज्यादा मिलेगी और समर्स के अंदर गर्मी भी ज्यादा मिलेगी। बट यूके के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, आपको बहुत ही ज्यादा एक्सेस में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, बट स्टिल इट्स अ कोल्ड कंट्री। और वहीं पे अगर अपने ट्रैवल की बात करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ना, तो यूके जो है वो इतना सा है तो वहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। और कनाडा के अंदर तो भाई आपको कार चाहिए, इतनी रिमोट एरियाज में सिटीज हैं और आपको कहीं भी ट्रैवल करके जाना है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, आपके पास खुद की कार होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस कंट्री के अंदर। बट एट द सेम टाइम वहीं पे अपने हाईवेज की बात करें तो कनाडा के अंदर हाईवे सिस्टम जो है वो थोड़ा बेटर है यूके के कंपैरिजन में। बट ट्रैवलिंग की अगर अपने बात करें ना, घूमने फिरने के जो शौकीन है, तो कनाडा के अंदर भी आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ेंगे घूमने फिरने में। बट यूके का सीन आप सबको पता है, छोटी छोटी सी कंट्रीज है यूरोप की सारी, और बिल्कुल लिटिल सी अमाउंट के साथ ही ना बढ़िया घूम फिर सकते हो यूके के अंदर भी और आसपास की यूरोपियन कंट्रीज में भी। तो गाइस इसके बाद अपने हेल्थ केयर की भी बात कर लेते हैं। दोनों के अंदर ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं सारी। बट कनाडा के अंदर आपको सुनने में भी आया होगा कि वेटिंग टाइम का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। रिसेंटली भी मेरा फ्रेंड थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था तो वो इंडिया गया हुआ इलाज करवाने, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक्सरे भी करवाना है ना, सिंपल एक्सरे जो 2 मिनट में अपने इंडिया में करवा लेते हैं, यहाँ पे 5-5 दिन हो सकता है आपको सिर्फ एक्सरे करवाने के लिए रुकना पड़े। और अगर आपकी हड्डी कोई टूटी हुई है ना, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको 10-10 दिन तक वेट करना पड़ सकता है, और टूटी हड्डी के साथ ही आप घर पे रेस्ट कर रहे होते हो। अब अपने लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मैंने कनाडा क्यों चूज किया यूके को छोड़ के। तो जिस टाइम मेरा फर्स्ट थॉट आया था ना कि यस मेरे को स्टडी करने जाना है कहीं बाहर की कंट्री के अंदर, तो उस टाइम भी यही हवा हो रखी थी कि यूके के जो वीजास हैं बड़े इजीली लग रहे हैं, पैसे भी जो है कम लगेंगे, 1 साल की फीस के साथ आप पढ़ने चले जाओगे। तो मैंने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई भी कर दिया था, बट कुछ लोगों ने मेरे को बैठ के समझाया कि भाई इजी प्रोसेस के पीछे मत जा, ये सोच कि तू क्या चाहता है। तो मैंने फिर जब सोचा, मेरे को यूएसए के पास भी रहना था, मेरे को
जो पीआर प्रोसेस था वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी चाहिए था कि मेरे को अश्योरिटी मिले कि अगर मैं किसी कंट्री में जा रहा हूँ तो मैं अपना टाइम खराब नहीं कर रहा, मेरे को वहाँ पे पक्का पीआर मिलेगी। सो बहुत सारे रीजंस थे और उसके बाद एक डर भी बैठ गया था। यूके के लिए यूं बोलते थे कि हो सकता है कि आपको वापस भी आना पड़ सकता है, अगर आपके पास अच्छी स्किल नहीं है, अगर आप हाई डिमांड जॉब में नहीं हो तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वहाँ पे पीआर लेने के। इसलिए गाइस कनाडा आने का डिसीजन लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम भी बहुत लगा था, ऑफर लेटर के लिए भी 2 महीने वेट करना पड़ा था मेरे को। बट आज आप देख ही सकते हो बढ़िया कनाडा के अंदर रह रहे हैं, और मेरी जो जर्नी चल रही है वो भी मैं इस चैनल पे शेयर भी करता रहता हूँ। मेरी स्टडी जो है कंप्लीट हो चुकी है, मैं वर्क परमिट पे हूँ। तो देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर पीआर का भी कुछ सिस्टम बिठा रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन चल रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि हमें तो इसी कंट्री में जाना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और मैं अब जाता हूँ भाई अंदर। आप पीछे मौसम देख ही रहे हो, स्नो जो है हल्की हल्की पड़ रही है, मजा भी आ रहा है, बट ठंड ना लग जाए इसलिए थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ठीक है गाइस, ऐसी और वीडियोस मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाती है इस तरीके की वीडियोस बनाने की। तो अपने मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।